नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर। क्या ऐसे चलेगी? तारीख तारीख तारीख, थक हार कर इंसाफ मांगने वाला क्यों बन जाता है बीती हुई तारीख? क्या हम आपको दिखा रहे थे आज इंसाफ के लिए करनाल के कमेटी चौक का दृश्य, जहां कुछ साथी आकर निर्भया के इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि निर्भया को इंसाफ मिले। जय हिंद, जय भारत। और मेरी देश की न्यायपालिका से एक ही प्रार्थना कि इन मुजरिमों को, इन दरिंदों को, इन बलात्कारियों को जितनी जल्द से जल्द हो सकता है फांसी की सज़ा दी जाए, जिससे उस देश की बेटी को इंसाफ मिल पाए और जो उसकी माँ है जिसका शायद आज के दिन को हमारे देश के कानून से विश्वास। बात अगर हम संख्या की करें तो संख्या कम की कोई तुलना नहीं होती, अधिक की कोई तुलना नहीं होती। आवाज़ जब उठाता है तो एक इंसान ही आवाज़ उठाता है, उसके पीछे लश्कर तो बाद में बनते रहते हैं। जैसा कि सत्य केसरी आपको दिखा रही है, आज साहिल हिंदुस्तानी जी और उनके साथी कमेटी चौक पर कैसे निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए आकर खड़े हुए, वहाँ का दृश्य आपको सत्य केसरी के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे साहिल जी से भी कि वह क्या कहना चाहते हैं इस विषय में, क्यों उन्हें यहाँ आकर खड़ा होना पड़ा। मैं चाहता हूँ जी, मेरे देश की एक बेटी को जिसके साथ जिसका बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, उन मुजरिमों को जल्द से जल्द फांसी हो। उसकी माँ जो न्याय के लिए दर दर भटक रही है, ठोकरें खा रही है, जिसके आंसू भी शायद सूख चुके हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द न्याय मिले।